हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए लाई हूँ ये स्वेटर का डिज़ाइन। इसे आप लेडीज़ स्वेटर में या कोटी में इस्तेमाल कर सकते हैं, या आप इसके लिए बच्चों का कंबल भी बना सकते हैं। बहुत खूबसूरत लगेगा। देखें, इसका ये ज़िगज़ैग डिज़ाइन है और इसके बीच में हमने ये छोटे छोटे फ्लावर भी डाले हैं। देखें, इसे बनाना भी बहुत ईजी है। फ्रेंड्स, मेरा ये वीडियो देखने से पहले आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आए देखें ये किस तरह से बनके तैयार होता है। ये इसका फ्रंट साइड है और ये इसका बैक साइड है। देखें, आए देखें ये किस तरह से बनके तैयार होता है। सबसे पहले आप चैन बनाएंगे। देखें, ये जो हमने बनाया है इसका यहाँ से लेके यहाँ तक जो हमने फंदे लिए हैं, 24 फंदे यहाँ से तक लिए हैं, फिर यहाँ से यहाँ तक 24 फंदे लिए हैं और यहाँ से यहाँ तक 19 फंदे लिए हैं। चैन बनाई है। देखिए, पहले हम यहाँ से यहाँ तक के लिए 24 बार चैन बनाएंगे। आप अपने जितनी लंबाई है उसके हिसाब से आप चैन बनाएं। ये हमने इस तरह से फंदा बांध लिया है। 24 चैन बनाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24। देखें, यहाँ से यहाँ तक के लिए हमने 24 चैन बना ली है। अब हम यहाँ से यहाँ तक के लिए 24 चैन बनाएंगे। देखें, ये हमने 24 चैन और फिर 24 चैन बनाई है। अब हम यहाँ से यहाँ तक के लिए, अब यहाँ पे हम 19 चैन बनाएंगे। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19। इस तरह से हमने इतनी लंबी चैन बना ली है। देखें, अब देखें यहाँ पे हम दो चैन लेंगे। एक, दो, यहाँ पकड़ रखा है हमने। और देखें, यहाँ से इस तरह से एक डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। इस तरह हमारा बनके तैयार हो गया है। इस तरह हम यहाँ हर चैन में एक एक 8 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक, ये हमने बना लिया है। दो, तीन, चार, पांच, छः, सात और ये 8। देखें, काउंट करेंगे यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 8 बार डबल क्रोशिया बनाने के बाद यहाँ पे हम दो चैन बनाएंगे। एक, दो। और देखें, ये जो हमने चैन 8वीं वाली डबल क्रोशिया वाली
बनाई है, इसी के चैन के बीचों बीच से एक बार और डबल क्रोशिया बना लेंगे। दो चैन लेने के बाद इस तरह से, इस तरह बनके हमारा तैयार हो जाएगा। अब यहाँ पे हम देखें, एक ये डबल क्रोशिया बन गया है और हर चैन में एक एक फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे 7 बार। एक, दो, तीन, चार, पांच, छः, सात और ये 8। इस तरह हमने 8 बार बना लिया है। ये हमारा इस तरह से शेप बन के तैयार हो गया है। देखें, ये जो हमारी ये लाइन है, ये हमारी इस तरह से बन के तैयार हो गई है। अब हम यहाँ पे ये देखें, ये जो हमारी फ्लावर वाली लाइन है, इसको बनाएंगे। एक चैन लेंगे और देखें, यहाँ से एक चैन छोड़ेंगे, अगली चैन में यहाँ पर इस तरह से डबल क्रोशिया बना लेंगे। एक चैन लेंगे, एक चैन यहाँ से छोड़ के यहाँ आगे वाले में आएंगे और एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से हम 5 बार बना लेंगे। देखें, एक, दो, एक चैन छोड़ के आगे वाले चैन में इस तरह से डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक चैन, एक, दो, तीन, 4 बार बना लिया है। एक चैन छोड़ के यहाँ इस तरह से लेंगे। इस तरह से हमारा 5 बार बन के तैयार हो गया है। 5 खाने बनेंगे, 1, 2, 3, 4, 5। अब यहाँ से आप हर एक एक चैन में 8 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक ये हमारा बन गया है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 7 और ये 8। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 8 बार बनाने के बाद 2 चैन लेंगे, 1, 2 और देखें इसी में एक डबल क्रोशिया फिर से बना लेंगे और एक ही हमने बना लिया है। 7 बार यहाँ हर चैन में डबल क्रोशिया बनाएंगे, जैसे हमने यहाँ यहाँ बनाया था। देखें, ये वाली लाइन यहाँ रिपीट हो रही है हमारी। 7 बार बना लेंगे और डबल क्रोशिया, 2, 3 4, 5, 6, 7 और ये 8। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 बार डबल क्रोशिया बना लिया हमने। अब देखें, ये लाइन के बाद हमने ये बनाई थी लाइन। देखें, यहाँ ये लाइन बनाने के बाद अब हम
ये वाली लाइन यहाँ बनाएंगे, एक चैन बनाएंगे और देखें यहाँ से एक चैन छोड़ के आगे वाली चैन में एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। इस तरह पांच बार बनाएंगे, एक दो तीन चार और ये पांच, पांच खाने बन गए हमारे, एक दो तीन चार पांच। अब यहाँ पे आठ बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक हमारी बन गई है, एक एक ये दो तीन चार पांच छः सात और आठ, दो चैन बना के एक इसी में एक बीचों बीच इस तरह से इसी खाने में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ पे सात बार और बना लेंगे, एक ये और आठ बार हो जाएंगे, फिर दो तीन चार पांच छः सात और ये आठ, एक दो तीन चार पाँच छः सात और आठ। देखिए अब एक चैन छोड़ के आगे वाले चैन में इस तरह से एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। ये हमारी इस तरह से लाइन फ्रेंड्स बनके तैयार हुई है। हमारी इसकी ये लाइन पूरी हमारी बनके इस तरह से तैयार हो गई है। देखें आगे फ्रेंड्स, देखें यहाँ पे आप दो चैन लेंगे, इस तरह से पलटेंगे और देखें इसे छोड़ के इसमें इसके बीचों बीच से अंदर से फंदा उठाएंगे, इसे छोड़ देंगे, इसके नीचे से इस तरह से बीचों बीच से फंदा उठाएंगे, यहाँ तक फंदे उठाएंगे। देखें यहाँ एक के बाद एक आठ बार हमारे फंदे उठ जाएंगे, एक दो तीन चार पाँच छः सात और एक इसके बीच से उठाएंगे आठ, देखें एक दो तीन चार पांच छः सात और एक इसके बीचों बीच से फंदा उठाएंगे। ये हमारा आठ बार फंदे उठ गए हैं, आठ बार डबल क्रोशिया बन गया। अब यहाँ पे दो चैन बनाएंगे और इसके बीचों बीच से एक बार और फिर से डबल क्रोशिया बना लेंगे। अब इनके बाद इन सब के ऊपर से इसी तरह जैसे हमने यहाँ फंदे उठाए इसी तरह उठाते हुए यहाँ टोटल सात बार हमारे उठेंगे। एक फंदा हमारा यहाँ से उठा है डबल क्रोशिया का, एक दो तीन चार पांच छः सात और ये यहाँ से हमने आठवां फंदा उठा लिया। हमारे टोटल यहाँ आठ फंदे हो गए हैं, उठ गए हैं डबल क्रोशिया के, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ।
अब देखें ये जो हमारी लाइन है ये फ्लावर वाली लाइन है, इसके बीचों बीच हम फ्लावर बनाएंगे इस तरह से, 1 2 3 यहाँ से गिनेंगे और देखें यहाँ से 1 2 3 बीचों बीच में आएंगे और इस तरह से यहाँ से फंदा उठाएंगे, एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चैन लेंगे। देखें एक चैन लेने के बाद इधर से इस तरह से लंबा थोड़ा सा फंदा खींचेंगे और ये देखें इसके बीचों बीच से इस तरह से 3 बार फंदा निकालेंगे, 1 2 और 3 इस तरह से बांध देंगे, सब 3 चैन बनाएंगे, 1 2 3 और देखें इसी में लाके इसे बांध देंगे इस तरह से, आगे इसके अंदर फिर से फंदा उठाएंगे, इस तरह हम 4 बार बनाएंगे। देखें ये हमने फ्लावर में 1 2 3 4 बार बनाए हैं, इसी तरह से यहाँ बनाएंगे 4 बार, एक चैन लेके फिर इस तरह से फंदा इसमें से उठाएंगे बीच में से, तीन बार फंदा उठा के बांध देंगे, 3 चैन बनाएंगे और यहाँ बांध देंगे। देखें फ्रेंड्स अब हमने यहाँ तक हमने ये पत्तियाँ बना ली हैं फ्लावर की, अब देखें ये जो हमारे खाने हैं इनको भी यहाँ से छोड़ देंगे और देखें यहाँ से काउंट करेंगे, एक यहाँ पे हम बनाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ से हम देखें इतना खाना छोड़ देंगे, इसे छोड़ देंगे और यहाँ से इसके बीचों बीच से फंदा उठाएंगे, इसमें से फंदा उठाएंगे, देखें इसे छोड़ेंगे, इसके बीच में से फंदा उठाएंगे इस तरह से, एक दो तीन चार पांच छः सात और देखें आठवां फंदा इसके बीचों बीच से उठाएंगे इस तरह से, 8 दो चैन बना के इसी में से एक फंदा फिर उठाएंगे, डबल क्रोशिया बनाएंगे, और देखें अब इनके बीचों बीच में से 8 बार यहाँ से फंदे उठाएंगे इस तरह से, एक फंदा हमारे बीचों बीच से उठा हुआ है, 1 2 3 4 5 6
7 और ये 8। देखिए इस तरह हमारा बनके तैयार हो गया है। अब देखें यहाँ से हम फिर हमारी फ्लावर वाली लाइन आई गई है। यहाँ से देखें गिनेंगे 1 2 3 और यहाँ से देखें 1 2 3। बीचों बीच में देखें ये बीच पर हमारा है, इसके बीचों बीच से इस तरह से फंदा उठाएंगे, एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। एक चैन और जैसे फ्रेंड्स हमने यहाँ पे ये फ्लावर बना के तैयार करे थे, इसी तरह से इसमें 4 बार फंदे उठा के डबल क्रोशिया के और 4 बार फूलों की पत्तियाँ बना के तैयार करेंगे। 3 बार फंदे निकालेंगे इसमें से। बांधेंगे, 3 चैन बनाएंगे और देखें इस तरह से बना लेंगे। मैं आपको यहाँ पे चारों पत्तियां बनाने के बाद दिखाती हूँ। देखें फ्रेंड्स ये मैंने इस तरह से फ्लावर की चारों पत्तियां बना के तैयार कर ली है, जैसे हमने यहाँ बनाई थी इसी तरह से यहाँ बना ली है। अब हम देखें ये जो हमारे खाने बने हुए हैं 1 2 इन्हें छोड़ेंगे, इसका ये वाला भी एक डबल क्रोशिया वाली लाइन छोड़ देंगे और इसके आगे वाले में से फंदा उठाएंगे इस तरह से और एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। लाइन से हमारी 8 बार बन डबल क्रोशिया बन जाएगी। 1 2 3 4 5 6 7 और देखें ये एक बीचों बीच से निकालेंगे फंदा, 8। 2 चैन लेके इसमें एक फंदा और उठाएंगे, डबल क्रोशिया बना लेंगे। यहाँ से फिर से हमारे 8 फंदे बनेंगे, एक ये है, दो, तीन, चार, पांच, छः, सात और ये 8। देखें अब ये जो हमारा बीचों बीच है यहाँ से इस तरह से एक फंदा यहाँ से बीचों बीच से उठा लेंगे। इस तरह हमारी ये लाइन कंप्लीट हुई। अब हम यहाँ पे देखें जैसे हमने ये लाइन हमारी पूरी हो गई है, अब हमारी ये दूसरी कलर की लाइन शुरू होएगी। यहाँ पे हम दूसरा कलर ऐड करेंगे। दो चैन बनाएंगे, इस तरह पलटेंगे और देखें इसे छोड़ेंगे, इसमें से फंदा उठाएंगे इस तरह से 8 बार बना लेंगे। सात बार यहाँ बन गया है, 8वां बार यहाँ से उठाया हमने, 2 चैन लेके
एक इसमें फिर से निकालेंगे फंदा, आगे इसमें सब में बनाएंगे। देखिए इस तरह से हमने यहाँ भी 7 बार डबल क्रोशिया बना लिया है, इस तरह से बन के तैयार हुआ है। और देखें अब यहाँ पे हम एक चैन लेंगे इस तरह से, और ये जो हमारे हैं इसके बीचों बीच से इस तरह से फंदा यहाँ से उठाएंगे और डबल क्रोशिया बना लेंगे। एक चैन लेंगे, इनमें सभी में से एक एक इसी तरह से फंदा उठा के डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक चैन और फिर इसमें से इस तरह से डबल क्रोशिया, एक चैन और ये देखें ये आखिरी वाले में से भी इसी तरह उठा लेंगे। एक चैन लेंगे और देखें इसे छोड़ देंगे और इसके आगे वाले में से इस तरह से फंदा उठाएंगे। देखें यहाँ हमारे जैसे 5 बार बॉक्स बन गए थे, 1 2 3 4 5 5 बार बन गए हैं, जैसे हमारी फर्स्ट लाइन में बना था। अब यहाँ पे इसी तरह 8 बार डबल क्रोशिया बना लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और 1 अब यहाँ से उठा लेंगे 8। 2 चैन लेके इस तरह से यहाँ से उठा लेंगे, इनमें बनाएंगे। एक चैन लेंगे और देखें इनमें से सब में से एक एक फंदा उठाते हुए डबल क्रोशिया बना लेंगे। एक चैन और देखें यहाँ से ये आखिरी वाला इसे छोड़ेंगे, यहाँ से फंदा उठाएंगे। आगे हमारी ये वाली लाइन कंप्लीट होएगी। और देखें अब ये हम आखिरी में इसमें इस तरह से इसे यहाँ से फंदा उठाएंगे, 2 चैन बना के इस तरह घुमाएंगे। देखिए इस तरह हमारा बनके तैयार हो गया है। अब हम ये वाली लाइन इसी तरह बनाएंगे, मैं आपको बनाने के बाद दिखाती हूँ। देखें ये वाला फंदा छोड़ के यहाँ से उठाएंगे इस तरह से,
ये कंप्लीट करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने यहाँ वाली लाइन कंप्लीट कर ली है। देखें 8 बार यहाँ डबल क्रोशिया बनाया है और देखें बीच में 2 चैन लेके फिर 8 बार यहाँ डबल क्रोशिया बनाया है। अब हमारी ये फ्लावर वाली लाइन होगी कंप्लीट। यहाँ देखें जो बैक साइड में हमने ये जो बनाए थे इसके बीचों बीच से फंदे उठाने हैं। देखें यहाँ पे हमारा 1 2 3 और यहाँ से देखें 1 2 3 तीसरे वाले खाने में इस तरह से फंदा, जैसे हमने ये फ्लावर बनाया था सेम उसी तरह बनाएंगे। इस तरह से फंदा उठाएंगे। एक चैन लेके और देखिए ये जो हमारा डॉट्स है इसके बीचों बीच से इस तरह से फंदा निकालेंगे 3 बार 1 2। देखिए इसी तरह हम यहाँ पे फ्लावर बना लेंगे 3 चैन लेंगे और देखिए इसी में बांध देंगे। सेम जैसे हमने यहाँ पे ये बनाया था 4 बार उसी तरह से इसी के बीचों बीच से 4 बार हम फंदे डबल क्रोशिया लेके उसके ऊपर इस तरह से पत्ते बनाएंगे। मैं आपको बनाने के बाद दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने इस तरह से बना लिया है 4 बार। और अब देखें ये जो है इसे छोड़ेंगे और इस वाले फंदे में से इस तरह से फंदा उठा के डबल क्रोशिया बना लेंगे। इस तरह हम ये पूरे में इसी तरह 8 बार यहाँ डबल क्रोशिया, यहाँ बार 8 बार डबल क्रोशिया, फिर यही फ्लावर सेम इस तरह से ही बनेगा यहाँ, और फिर ये 8 बार डबल क्रोशिया और 8 बार डबल क्रोशिया। इस तरह से हम बना के ये लाइन कंप्लीट कर लेंगे। देखिए हमारा इस तरह से ये फ्लावर बनता जाएगा। ये हमारा फिर रिपीट ही है फ्रेंड्स। इस तरह से आप अपना पूरा डिज़ाइन बना के तैयार कर लें। मैं इसी तरह से ये पूरा कंप्लीट करने के बाद आपको दिखाती हूँ। देखें हमारी ये सेकंड लाइन चल रही है जो हमने ये वाली लाइन बना रहे हैं। मैं ये कंप्लीट करने के बाद आपको दिखाती हूँ। देखें फ्रेंड्स, ये मैंने जैसे हमने ये लाइन यहाँ तक मैंने आपको कंप्लीट करके दिखाई थी, ये बाद में मैंने इतनी कंप्लीट करने के बाद मैं दिखा रही हूँ। इसी तरह से आप ये रिपीट करते जाएँ, आपका ये डिज़ाइन तैयार हो जाएगा। ये हम यहाँ तक पहुँचे हैं। देखें अब यहाँ पे आप 2 चैन लेके इसमें फिर एक फंदा उठाएंगे डबल क्रोशिया का और इस तरह से यहाँ 8 बार बना लेंगे। एक ये है, 2 3 4 5 6 7 और ये देखें ये हमने 8 बार फंदे उठा के डबल क्रोशिया की लाइन बना ली है। आखिरी में इस तरह से इसके बीचों बीच से इस तरह फंदा उठाएंगे और एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। अब यहाँ से फ्रेंड्स हम इस वाली लाइन को ऊपर बनाएंगे, यहाँ से इसको ऐड कर लेंगे और 2 लाइन हम इसकी बना के ये वाली दोनों लाइन बना के इसको फ्लावर तैयार करेंगे। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमारा स्टेप बाय स्टेप, आपको जितनी लंबाई रखनी है उसके हिसाब से आप बनाते चले जाएं। देखें ये हमारा इस तरह से बन के तैयार हो जाएगा। फ्रेंड्स अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ कमेंट्स करके बताएँ, लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकॉन दबाएँ जिससे हम आपके पास अपने वीडियो पहुंचाते रहें। शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय फ्रेंड्स।